सुनिए, पीने का पानी है क्या? हाँ है। और हाथ धोने का? किसी से हाथ भी धो लेना। तो फिर पीऊंगा क्या? अरे भाई पी भी लेना और हाथ भी धो लेना। जो पानी पी लिया उससे हाथ कैसे धोऊंगा? अरे भाई पीने के बाद जो पानी बचे उससे हाथ धो लेना। पर हाथ तो मुझे पहले धोने हैं, पानी तो मैं बाद में पीऊंगा। अरे भाई तो पहले हाथ धो लेना फिर जो पानी बचे उसे पी लेना। पर अगर हाथ धोने के बाद पीने के लिए पानी नहीं बचा तो? अरे तो मेरे से और पानी ले लेना। इसलिए और हाथ धोने के लिए? अरे पीने के लिए। आपको गुस्सा आ रहा है? ऐसी बकवास करेगा तो आएगा ही ना। आपने कभी शरबत पिया है? हाँ। जूस पिया है? हाँ। काढ़ा पिया है? हाँ। टॉयलेट के हाथ धोया हुआ पानी पिया है? नहीं। एक बार पी के देखो, सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा और फिर कभी प्यास भी नहीं लगेगी। अबे तू चला जाए यहाँ से वरना मैं सारा पानी तुझे पिला दूंगा। तो फिर मैं हाथ किससे धोऊंगा? लगता है आप गुस्से से पानी पानी हो गए हो। अरे मैं गुस्से से पानी पानी नहीं, आग आग हो गया हूँ। ये पानी डाल के आग बुझा दूँ? देख तू अपना मुंह बंद कर ले, सारी आग अपने आप बुझ जाएगी। मुंह बंद कर लूंगा तो फिर पानी कैसे पीऊंगा? ये टंकी का पानी है? नहीं। कुएं का पानी है? नहीं। झरने का पानी है? नहीं। नाले का पानी है? अगर नहीं तो किसी के मुंह से निकाला हुआ पानी है? हाँ है, बोल पिएगा? नहीं, मैं आपको अपने मुंह का पानी भी निकाल के दे देता हूँ, आप उसे भी इसी पानी में मिला लेना, किसी और बेचारे की प्यास बुझाने के काम आ जाएगा। देख तू अब अपनी हद पार कर रहा है। क्यों, आपका नीचे से पानी निकल गया? देख मैं तुझे बिठा बिठा के मारूंगा। इस पे पानी पे बैठा के या ग्लास पे बैठा के? अब बोतल के ढक्कन पे बैठा के। सीधे ढक्कन पे या उल्टे ढक्कन पे? क्या हुआ, चुल्लू भर पानी में डूबने का मन कर रहा है? तुझे डुबाने का मन कर रहा है? इसमें? अब चुल्लू भर पानी में? मुझे लगा ढक्कन में। लगता है मैंने आपकी खुशियों पे पानी फेर दिया। हाँ बहुत सारा पानी फेर दिया। कितना, एक ढक्कन के दो ढक्कन? अबे ढक्कन तो हम है जो तेरे जैसे ढक्कन की बातों में आ गए, वरना तेरे जैसे ढक्कन के मुंह पे तो ढक्कन लगा देना चाहिए। आपकी बातें सुन के तो मेरे दिमाग का ढक्कन खुल गया। खुल गया ना, अब उस ढक्कन में भी पानी भर और निकल यहाँ से। अगर दिमाग के ढक्कन में पानी भर के उसे वापस दिमाग पे लगाऊंगा तो पानी दिमाग में भर जाएगा। अबे तू यहाँ से जाने का क्या लेगा? दो बूंद पानी की। मैं तुझे दो टंकियां दूंगा पानी की, अब निकल यहाँ से। भरी हुई टंकियां या खाली टंकियां? अब टंकियों में पानी छना हुआ होगा या बिना छना हुआ? उस पानी से नहा भी सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं। अरे लगता है आपके सर का पानी खौलने लग गया। मैं 1 करोड़ सवालों के तापमान पे गरम करेगा तो खौलेगा ही ना। ये तो फिर भी ठंडा है, मैं तो तब तक सवाल पूछता रहता हूँ जब तक सारा पानी भाप नहीं बन जाता। तू यहाँ पानी पीने आया था और मुझे गम के घूंट पिला के जाएगा? पानी कैसे पीना चाहिए? घूंट घूंट करके। घूंट किसके? पानी के। तो मुझे लगा गम के। क्या मुझे पानी देते देते आपका तेल निकल गया? जबान को लगाम दे। इसकी? अपनी। ओ, मुझे लगा आपकी। तेरी। क्या? जबान। ओ, मुझे लगा लगाम। तू यहाँ पानी पीने आया या मेरा खून? खून भी चलेगा, पीने के खून से ही हाथ धोने पड़ेंगे या हाथ धोने के लिए अलग से खून मिलेगा? इस आदमी से बात करके मेरा कंठ सूख गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो के नीचे कम से कम 15 लाख कमेंट करा करके इस कंठ सूखे आदमी को दो बूंद जिंदगी की दे देना।